ईसु अपन सेवा करब शुरू करत। शैतान की परीक्षण का इनकार करें के बाद ईसु वापिस गलील क्षेत्र में आओ या वह जगह आए जहां पवित्र आत्मा वही का बहुत सामर्थ्य दई रहोत और ईसु एक जगह से दूसरी जगह में जाय के लोगन का शिक्षा दिनस सब वही के बारे में नीक बातें कहें। फिर ईसु नासरत नगर का गा जब वह बालक रहा तबहिन वह यही गांव में रहत वह विश्राम के दिन वह आराधना करें की जगह मांगा। अगवन ने वही का यशायाह परमेश्वर का संदेश बतावे वाले के संदेशन के एक किताब दिन वह चाहते कि वही माँ से पढ़ अतः ईसु ने वह किताब का खोल कर वही के एक भाग का लोगन के खातिर पढ़े। ईसु इन तना से पढ़े परमेश्वर मही का अपन आत्मा दीन है ताकि मैं कंगालन माँ शुभ समाचार का प्रचार कर सकूं। वह मुहिका यही खातिर भेजो है कि मैं कैदियन का स्वतंत्र करूं, अंधन का फिर से रोशनी दई देऊँ और जिहका दूसरे लोग गुजरत हैं उन्हें का छुटकारा दई देऊँ। यह ठीक समय है जब परमेश्वर हम पर कृपा करी और हमार सहायता करी। फिर ईसु बैठ गा सब लोग वही का बड़े ध्यान से देखत थे। वह जानत थे कि पवित्र शास्त्र का जौन भागवा अबय पढ़ रहो है वह मसीह के बारे में आए। ईसु कहिस जौन बात मैं अबय तुम्हारे खातिर पढ़ी वह बिल्कुल अबय घटित हुई रही। सब लोग चकित भे वह सब कहिन का या यूसुफ का लड़का नव है। तब ईसु कहिस यह सच आए कि लोग कौनो वह परमेश्वर का संदेश बतावे वाले को कबहू स्वीकार न करी हैं जौन उन्हीं के नगर में पलो बढ़ो हुए। एलिया संदेश बतावे वाले के समय में जब 3.5 साल तक बारिश न भय वह समय में इजराइल में बहुत सी विधवाएं रह लेकिन परमेश्वर ने एलिया का इजराइल में कोनो विधवा के सहायता करने के खातिर ना भेजिस यही के बजाय वह एलिया का दूसरे देश की विधवन के नेरे भेजिस। ईसु अपनी बातें करब जारी रखिस और एलिशा संदेश बोले वाले के समय में इजराइल में बहुत से लोग चमड़ी के रोग से पीड़ित रह लेकिन एलिशा ने उन्हीं माँ से कौनों को भी चंगा ना किनिस वह केवल इजराइल के शत्रुओं के सेनापति नामान का चंगा किनिस। लेकिन जौन लोग ईसु का सुन रहे थे वह यहूदी रहें यही खातिर जब वहीं वही का यह कहा सुनें तो वहीं वही से क्रोधित हुई गए। नासरत के लोगन ने ईसु का पकड़ लिनन और वही का आराधनालय की जगह से घसीट के बाहर ले गए। वहीं वही का एक पहाड़ की चोटी में ले गए ताकि वही का वहाँ से तारे गिरा के मार डाले। लेकिन ईसु भीड़ में से निकल गा और नासरत नगर का छोड़ के चलोगा। फिर ईसु पूरे गलील क्षेत्र में गा और बड़ी भीड़ वही के नेरे आई। वहीं ऐसे बहुत से लोगन का लेके आए जौन बीमार और लांगर रहा उनमें से कुछ आंधा कुछ बहिर और कुछ गूंगा रहें। ईसु ने उन्हें का चंगा कीनेस। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग ईसु के नेरे लाए गए जिन्हें माँ दुष्ट आत्माएँ रह। ईसु ने दुष्ट आत्मन को उन्हें माँ से निकल जाए का आदेश दीनेस और उन्हीं निकल गई। वहीं दुष्ट आत्माएँ अक्सर चिल्लाई ते परमेश्वर का लड़का आई। भीड़ के लोग चकित रह गए और वही सब परमेश्वर के महिमा कीने। फिर ईसु अपने चेलन माँ से 12 आदमी का चुनेस कि वही वही के खास आदमी बन गए। वही चेलन का वह अपन प्रेरित कहे। इन प्रेरितन ने वही के साथ यात्राएं करी और वही से ज्ञान ग्रहण कीने। मत्ती अध्याय 4:12-25, मरकुस अध्याय 1:14-15, 35-39, अध्याय 3:13-21, लूका अध्याय 4:14-30, 38-44 तक से बाइबिल का एक कथा।